हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूडी अदनान। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपना पहला व्लॉग शूट करने रोहिणी में, एक चाय वाली आंटी के पास, जो कॉलेज के पास हम सारे दोस्त टाइम पास करते थे, बैठ के चाय पीते थे। आज वही यादें ताज़ा करने वहीं शूट करने में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सारे दोस्त वहाँ बैठते थे, किस तरीके से चाय पीते थे, सारे मज़े करते थे एक साथ। तो पुरानी याद ताज़ा करने एक बार फिर और फर्स्ट व्लॉग शूट करने मैं जा रहा हूँ चाय पीने। तो गाइज, ये वो जगह है जहाँ हमने अपने MBA में पूरे 2 साल यार दोस्तों के साथ मज़ा करा, चाय पकौड़िए पी, पूरे दिन पढ़ते दिमाग भंड हो जाता था, आंटी की चाय पीकर ही थोड़ा सुकून मिलता था। तो आज एक बार फिर आए हैं आंटी के पास चाय पीने और पुरानी यादें ताज़ा करने। तो चलिए अब बात करते हैं आंटी से। आंटी, कितना टाइम हो गया आपको ये यहाँ पे? 18 साल। तो आप सुबह कितने बजे आ जाती हैं यहाँ पे? 6 बजे। तो 6 बजे आंटी कॉलेज के तो बच्चे आते नहीं, तो 6 बजे कौन आता है यहाँ पे? पार्क वाले आते हैं। पार्क वाले? कैसे आपने स्टार्ट करा, कैसे आपने सोचा कि यहाँ लगाऊं? ये थे, हम पहले कोर्ट पे बैठे थे, फिर इधर आके बैठ गए। अच्छा, पहले कोर्ट पे थे आप, फिर आप यहाँ पे आके बैठ गए? हमें पुलिस वाले यहाँ पे बैठा नहीं करता। अच्छा, पुलिस वालों ने आपको यहाँ लगवाया था? आंटी, आप हो कहाँ से? बागपत से। तो भाई, बागपत वालों सुन लो, आंटी जो है बागपत से हैं। वीडियो और आंटी की चाय दोनों वायरल हो जानी चाहिए। सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी और लाइक कर दो, वीडियो अब रुकनी नहीं चाहिए। फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, मज़ा लेते हैं चाय का और साथ में पकौड़ियों का भी, बताते हैं आपको। अदरक और इलायची वाली आंटी की चाय हमेशा की तरह फिर एक बार रूह को सुकून दे रही थी। आंटी की चाय पी के वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पुरानी यादें सारी वही आ गई। अब दिल कर रहा है कि पुराने दोस्त भी साथ होते। ओए, तुम सारे जितने भी वीडियोस देख रहे हो, एक बार फिर आ जाओ यार, बहुत ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है इस टाइम की। मैं बता नहीं रहा हूँ कि कितना पहले मैं मिस कर रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ को और तुम सबको भी। एक बार फिर मिलते हैं, फिर यूनाइट होते हैं कॉलेज वाली आंटी की टी स्टॉल पर।